हेलो दोस्तों, जब आप 11 और 12 का फाइनल प्रिंट निकालते हैं तब यहाँ पर आप सभी को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि कमिंग सून आप एक दिन दो दिन बैठ करके फिर आप फाइनल प्रिंट निकालते हैं, फिर भी यही निकल कर आता है कमिंग सून। इसका मतलब कुछ टाइम या कल या परसों फिर से ट्राई करें। तो दोस्तों, इससे हमें कैसे निपटारा होना है, इसको हमें कैसे प्रिंट करना है, तो दोस्तों स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा प्लीज़। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले भेजें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम किसी अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। जैसे हम यूपी स्कॉलरशिप लिखते हैं, इस प्रकार इंटरफेस आएगा। जो पहली वेबसाइट आएगी इसी पे हमें करना है कि तो मेरा ये देखिए खुल चुका है। फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है, आप को पता ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, अगर फ़ोन से करना है तो आपको कुछ सेकंड से फ्रेश लॉगिन पे दबा कर रखना है और फिर आपको कहीं पे टच कर देना है और फिर इंटरमीडिएट स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और जैसे यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड यहाँ पे आप फिल करेंगे और आपको फिर करना है सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप कैप्चा कोड और डाल कर सबमिट करेंगे इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, छह स्टेप, सातों स्टेप और ये देख सकते हैं सातवां स्टेप भी पूरा हो चुका है और यहाँ पर जो फाइनल प्रिंट है वो भी जनरेट हो गया है। पर आप जब यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं लग चुका है कि संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट वो हो चुका है, टिक भी लग चुका है, पर आपका प्रिंट नहीं निकला होगा। और ऐसा ही है दोस्तों, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये देख सकते हैं कुछ सेकंड यही लिख कर आ रहा है। ये सभी की दोस्तों प्रॉब्लम है और ये लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं तब से यही प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। या हमारी और आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। इसका यही रीज़न है कि अभी 11 और 12 वालों का फाइनल प्रिंट निकलना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही 11 और 12 वालों का फाइनल प्रिंट निकलना शुरू होगा तो सभी का फाइनल प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को वेट करना है और कुछ नहीं करना है। जब आप सभी का फाइनल प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा तब कमिंग सून नहीं लिख कर आएगा, आप सभी का फाइनल प्रिंट निकल आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको सही सही बताया है और वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।